बिहार में अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। मद्य निषेध विभाग अभियान को सफल बनाने के लिए ड्रोन कैमरा और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अब इस मुहिम में स्निफर डॉग को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। शराब बंदी को लेकर सरकार और सख्त। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन। स्निफर डॉग भी मुहिम में शामिल। बिहार में शराबबंदी कानून राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे सफल बनाने के लिए सरकार ने मुहिम और तेज कर दी है। हर वो संभव उपाय किए जा रहे हैं जिससे शराब के अवैध कारोबार को नष्ट किया जा सके। ड्रोन कैमरे की मदद ली गई, उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से शराब के अवैध धंधे को नष्ट करने की मुहिम शुरू की गई। अब इस मुहिम में स्निफर डॉग को भी लगाया जा रहा है। हम लोग अब स्निफर डॉग को भी छापेमारी में लगा रहे हैं। छापेमारी के क्रम में स्निफर डॉग की टीम्स लगेंगी सब जगह, और वो लोग भी हम लोगों को शराब, अवैध शराब को का भंडाफोड़ करने में हमको मदद करेंगी। ये जो डॉग है बेहद खास हैं, और IITI हैदराबाद से ये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉग हैं, और बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी है उसको पकड़ने में ये जो डॉग हैं बेहद माहिर हैं। और चाहे देसी विदेशी शराब हो या फिर महुआ, इसको ये जो है बिल्कुल पकड़ते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर में लगे रिजोल्यूशन कैमरे की मदद से अवैध ठिकाने को चिन्हित कर छापेमारी की कार्रवाई तेज की गई है। सिर्फ मार्च महीने में ही मद्य निषेध विभाग ने 24,422 और पुलिस विभाग ने 56,566 छापेमारी की। इस दौरान 11,888 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं होम डिलीवरी से संबंधित मामले में भी 917 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही 1,887 वाहन भी जब्त किए गए। 294 वाहन जब्त किए गए हैं और 86,744 लीटर देसी और विदेशी दोनों मिलाकर के शराब बरामद की गई है, और इसमें 73 लोगों को सजा भी दी गई है। कुल ट्रायल कंप्लीटेड जो है वो 1,939 हो चुके हैं, और 1,15,000 के ऊपर ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं अब तक। बात ड्रोन कैमरे की करें तो मार्च में 43 ड्रोन से राज्य के सभी जिलों में 7,719 छापेमारी की गई। वहीं अब शराब के अवैध कारोबार को नष्ट करने के लिए स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। मद्य निषेध विभाग की मदद के लिए यूनिवर्सल को 9 और NIS मैनेजमेंट लिमिटेड को 50 कुत्तों की आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका मासिक किराया 35,000 रुपए है। जो प्रशिक्षण मिला है इन्हें, वो देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो बालू है इसके नीचे में ये छुपा कर शराब रखा गया था, और शराब के गंध से जो ये डॉग है लियो, उसने इसे ढूंढ निकाला है। यानी कि जो शराब की तस्करी हो रही है या दूसरे जगहों से यहाँ पे जो लाए जा रहे हैं भारी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ने में ये कुत्ते जो है वो कारगर साबित होंगे। आपको बता दें कि शराब ढूंढने के लिए जहां गाड़ी भी भाड़े पर ली जा रही है, वहीं नदी के रास्ते कार्रवाई के लिए 2 स्पीड बोट विभाग ने ले रखी है। इसके साथ ही सुदूर क्षेत्र में एक्शन के लिए 7 सैटेलाइट फोन दिया गया है। अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम को लेकर एक और जहां पे हेलीकॉप्टर लगाए गए, वहीं ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई। अब एक कड़ी आगे बढ़ते हुए 50 स्निफर डॉग को एक्साइज विभाग ने हायर किया है, जिससे कि कुत्ते अब शराब को ढूंढेंगे और तमाम जो एक नेक्सस है उसको ध्वस्त करने में इससे उन्हें मदद मिलेगी। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। अब बात कर लेते हैं महंगाई पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत